दोस्तों, क्या आप कम समय में अधिक अच्छी नौकरी करना चाहते हैं? सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में कम समय में ज्यादा पैसे वाली नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको ITI कोर्स जरूर करना चाहिए। ITI करने वाले स्टूडेंट के लिए सरकारी नौकरी के भी बहुत अधिक अवसर निकलते हैं, साथ ही प्राइवेट क्षेत्रों में भी नौकरियों की भरमार रहती है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ITI क्या है, ITI कोर्स करने के फायदे, ITI कॉलेज फीस, कोर्स लिस्ट, ITI कोर्स ड्यूरेशन, ITI के बाद क्या करें, जैसे ITI कोर्स से जुड़ी सभी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ITI क्या है। ITI कोर्स खास उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो जल्दी नौकरी करना चाहते हैं। यह एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। ITI कोर्स में अलग अलग प्रकार के ट्रेड होते हैं। ITI कोर्स करने के सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेज मौजूद है और कई यूनिवर्सिटी भी इस प्रकार के कोर्स करवाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो स्टूडेंट ITI से डिप्लोमा करता है उसे किसी न किसी एक विशेष ट्रेड से ही अपना डिप्लोमा पूरा करना होता है। यह उस ITI डिप्लोमा करने वाले छात्र की रुचि पर निर्भर करता है। इस ITI कोर्स में इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिटर, कंप्यूटर इत्यादि कई डिप्लोमा कोर्स होते हैं। जहाँ थियरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस कोर्स को करने वाले छात्रों की बहुत अधिक डिमांड रहती है। अब ITI का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। ITI का फुल फॉर्म या पूरा नाम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है, जिसमें अध्ययनरत स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल स्तर के सभी प्रशिक्षणों में निपुण किया जाता है। इस कोर्स को 10th और 12th के बाद किया जा सकता है। साथ ही इसमें अलग अलग लेवल पर 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष के भी कोर्स होते हैं। ITI के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो भी जान लेते हैं। स्टूडेंट को कम से कम 10th पास होना चाहिए। ITI कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करना चाहिए या मेरिट के स्तर पर भी एडमिशन मिलता है। आपकी उम्र 14 इयर्स से 40 इयर्स के बीच होना चाहिए, तभी आप ITI कर सकते हैं। अगर हम ITI कॉलेज की फीस देखें तो सरकारी कॉलेज में आपको कोई फीस नहीं लगती है या न के बराबर फीस होती है। लेकिन बात करें यदि प्राइवेट कॉलेज की, तो यहां आपको 10,000 से लेकर 30,000 तक फीस लग सकती है। ITI कोर्स की ड्यूरेशन देखें तो यह कोर्स आपके ट्रेड के हिसाब से 6 महीने से लेकर 2 वर्ष तक का होता है। ITI कोर्स की एज लिमिट देखें तो आपकी उम्र 14 इयर्स से 40 साल के बीच होनी चाहिए। कोर्स करने के बाद सैलरी की बात करें तो ITI कोर्स करने के बाद आपको अपने जॉब में कितनी सैलरी मिलेंगी, ये तो आपके द्वारा किए गए कोर्स, आपकी ट्रेड और आपकी मिली हुई नौकरी में आपके कार्य पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी यह शुरुआती दौर में 10,000 से 15,000 के बीच आपकी सैलरी हो सकती है। ITI में एडमिशन कब होता है ये भी जान लेते हैं। ITI में जुलाई अगस्त के महीने में एडमिशन के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं। इसके लिए आपको मेरिट बेस या एंट्रेंस एग्जाम पास करने की जरूरत होती है, जिसके बारे में जानकारी आप अपने राज्य की ITI वेबसाइट या नजदीकी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। ITI के बाद क्या करें ये भी जान लेते हैं। ITI के बाद आप अपने ट्रेड के हिसाब से अप्रेंटिस कर सकते हैं, CTI या CITS जैसे एक वर्षीय कोर्स कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हैं, सरकारी नौकरी कर सकते हैं या सरकारी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं, अपने ITI ट्रेड के हिसाब से प्राइवेट नौकरी जॉब कर सकते हैं, अपने ITI ट्रेड के हिसाब से कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ITI कोर्स के बारे में सभी जानकारी मिल गई होंगी। फिर भी आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट्स जरूर करें, और इसी तरह के अन्य जॉब फ्यूचर से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।